थोड़ा एक चम्मच शहद लेकर उसमें दो काली मिर्च के दाने डाल के पीस के और उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप लेते हैं तो दालचीनी का पाउडर फॉर्म बना के उसको गुड़ में मिला के रात को खा के आराम से सो जाना है। तो क्या दोस्तों, मौसम चेंज होते ही आपको खांसी की शिकायत होने लगती है या सांस लेने में दिक्कत होने लगती है? और क्या आपके बच्चे को रात को सोते टाइम कोई भी गले में या सोते टाइम कोई भी आवाज़ होती है या कोई जिस तरीके से कोई सीटी बजती है उस तरीके से कोई बीप साउंड होता है? तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए होने वाला है, यानी मेनली जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं वो अगर किसी में व्यक्ति में दिखते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे और इसका प्रोग्रेस हमको क्या इसकी सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरीके से कोई कौन सी मेडिकेशन दे के हम इस जो हमारी इन्फेक्शन होता है उससे, इन्फेक्शन होने के कारण जो हमें प्रॉब्लम होने लगती है सांस लेने में, उससे हमें कैसे निजात मिल सके, कैसे छुटकारा मिल सके, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए मौसम चेंज होते टाइम, वो भी हम बात करेंगे। या और इसमें क्या हम मेडिसिन ऐसी लें जिससे हमें रिलीफ हो जाए। और एक होता है अस्थमा, एक होता है एलर्जी। तो एलर्जी जब दिक्कत होती है सांस, अगर किसी व्यक्ति को हमेशा हर टाइम सांस लेने में दिक्कत होती है या उसमें अस्थमा का अटैक आता है तो उसको अस्थमा होता है। कभी कभी क्या होता है, मौसम चेंज होते ही कुछ बच्चों को, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलती है, लगभग 6 साल से लेके और ये 30 साल तक, जो 30 साल तक की एज होती है इस बीच में जो होते हैं उसमें इस तरीके जैसे सीजनल चेंज होते हैं या मौसम चेंज होता है, ठंड से गर्मी आती है, गर्मियों से सर्दी आती है, तो उसमें इस तरीके की क्या है परेशानियां देखने के लिए मिलती हैं। तो उस सॉल्यूशन की आज हम बात करेंगे। अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी आपका रिलेटिव है तो उसको वीडियो ये शेयर करें और उसको 100% इस वीडियो को देखकर इसमें थोड़ा क्या होगा, राहत मिलेगी। तो उसके लिए देखिए हम घरेलू उपाय की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कभी आपको एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो आप जो हमारी बिक्स होती है उसका आप इनहेल कर सकते हैं नाक पर लगाकर, तो उससे थोड़ा राहत मिलेगा। क्या होता है, जो हमारी सांस लेने की जो नली होती है उस पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें म्यूकस बनता रहता है, म्यूकस से क्या हो जाता है वो नली बंद हो जाती है हमारी और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर हमें खांसी आती है और खांसी के साथ वो बलगम बाहर निकलता है, फिर हमारी जो है नली थोड़ी साफ होती है, उसके बाद हम सांस ले पाते हैं। तो उस नली को ठीक से रिलैक्स देने के लिए अगर हम कोई भी चीज़ दवाई इनहेल करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसकी मेडिसिन की, कि इसकी क्या मेडिसिन हो सकती है। तो उसके लिए देखिए यूट्यूब पर मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, तो उसमें बताते हैं वो, ये मैंने वो जो कैप्सूल होते हैं इसका मैं अभी आपको बताऊंगा, और एक सीरप होती है, बता ही देता हूँ चलिए, इसको कोनोल नाम से शायद सीरप होती है और अस्थकोन नाम से इसके कैप्सूल होते हैं, तो वो मैंने इसमें ऑर्डर किए हैं। इसका काफ़ी सारा रिव्यू पढ़ा था मैंने, मुझे लग तो रहा था देखने, मतलब रिव्यू पढ़ के लग रहा था कि शायद कंपनी वालों के ही हैं, फिर भी इतने सारे रिव्यू थे तो फिर मैंने इसको ऑर्डर किया। मेरे पास एक पेशेंट है, उसको मैं इसका टेस्ट कराऊँ, मतलब उस पर खिला के देखूँगा उसको कि इससे फ़ायदा होता है या नहीं। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका क्या रिजल्ट रहता है उसका मैं अभी लगभग इसको 1 महीने उसको खिलाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्टिव होता है या नहीं। तो मैं अपने चैनल पर उसका रिजल्ट अपडेट करते रहूँगा डेली की डेली क्या है। तो अगर आपके रिलेटिव या आपसे कोई कॉन्टैक्ट में है जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। मैं इसी तरह के ढेर सारे वीडियो जो हमारे डेली लाइफ में हम परेशानियों से गुजरते हैं, हमारी डिसीज जो होती हैं उनके घरेलू कुछ केयर देता हूँ और कुछ जो मेडिसिन कारगर मेडिसिन होती हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आपको इस तरीके की जानकारी अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। तो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, इसका टोटल कॉस्ट दोनों का सीरप का और इसका आया है 546 रुपये। तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा, देखिए अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था तो अमेजोन से भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ब्लू डॉट नामक कंपनी से भेजा है, तो उसके तरीके ओपन कर लेते हैं इसमें क्या है। ये देखिए ये कोरोनोल नामक सीरप है, ये वाली ये आप देख सकते हैं, ये 200 ml की है शायद, और इसे पीने से देखिए, इसमें मैंने इसलिए मंगाया था, ये कोई ये लगभग आयुर्वेद की है एक, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसको मंगा लिया है टेस्ट करने के लिए। मेरे पास एक पेशेंट है, और ये अस्थकोन नमक कैप्सूल है, इसमें 60 कैप्सूल आते हैं। अब इसको बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के लिए इसको खाने के बाद 2 कैप्सूल लेने हैं सुबह शाम, सुबह खाने के बाद 2 कैप्सूल और शाम को खाने के बाद 2 कैप्सूल, इसमें 60 कैप्सूल होते हैं, एक दिन में 4 कैप्सूल खाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेली खाने हैं, तो ये 12 दिन लगभग 12 दिन चल जाएगा, और इसको एक एक ढक्कन सुबह शाम खाने के बाद, दवाई खाने के बाद इसको कैप्सूल लेने के बाद एक एक ढक्कन सुबह शाम पीना है इस सिरप को। तो ये सिरप पे इस पर 160 रुपये पड़ा हुआ है रेट, MRP इस पर 340 है, तो टोटल मिलाकर ये हमारा
₹500 हुआ, ₹41 शायद डिलीवरी चार्ज वगैरह के होंगे टोटल। ये ऐसे है, अगर आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिलता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसको टेस्ट करने के बाद हम आपको इसका जो रियल हमारा क्या इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से इसने वर्क किया है, वो आपको साझा करते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे अगर कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता है, अचानक से किसी के पास मेडिसिन नहीं है और उसको अस्थमा का अटैक यानी उसको सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लगती है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे सरल उपाय है लौंग, दो लौंग उसका जो फूल होता है वो तोड़कर आप चबाएं, आसानी से उसका जो रस है वो अंदर जाए। उसमें हमारे जो म्यूकस है उसको, म्यूकस को हटा देता है, जो म्यूकस हमारी नली पे जमा होता है वहाँ से निकाल देता है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप लौंग या कोई भी चीज़ अगर आप खाएंगे, लौंग को जैसे ही जूस आपके अंदर जाएगा तो वो जहाँ कफ है जो हटने लगेगा और खांसी के साथ आपको एकदम बाहर आ जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है। और दूसरा जो है वो है कि आप शहद में थोड़ा, एक चम्मच शहद लेकर उसमें दो काली मिर्च के दाने डाल के पीस के और उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको तुरंत खांसी में बहुत जल्दी राहत करता है और उससे आपको सांस लेने में भी जो तकलीफ होती है वो दूर हो जाती है। और देसी इलाज जो सबसे बढ़िया इलाज है, काफ़ी दिनों तक अगर आप उसको चलाएं, इस दवाई के साथ साथ अगर उसको भी खाएं तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। उसके लिए हमें दालचीनी लेनी है और उसका पाउडर फॉर्म बना लेना है, और दालचीनी का पाउडर फॉर्म बना के उसको गुड़ में मिला के रात को खा के आराम से सो जाना है। लगभग आधा चम्मच दालचीनी लेनी है और लगभग 10 ग्राम गुड़ के साथ मिलाकर आपको रात को डेली खाना है। और ये आप 6 महीने तक ट्राई करें, 6 महीने तक उसको खाएं, तो वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको दालचीनी देती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी तरीके के और जो डिसीज़ होते हैं या और जो रोग होते हैं उनके निवारण के लिए देसी तरीके से हम किस तरीके से उनका इलाज कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ तो उसका अपडेट आपके पास पहुँच जाए।